भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप और कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली को विदेश बनाने की बात करती है, पर हकीकत में क्या है, दिल्ली सरकार ने क्या बनाया दिल्ली को। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 6 सालों में अपने लिए तो फायदा देखते हैं और निगम को काम तक नहीं करने देते। ना तो दिल्ली सरकार निगम के लोगों की महीने की सैलरी तक देती है और ना ही निगम का फंड तक देती है। कोरोना वॉरियर्स ने जितना काम किया है, निगम के लोगों ने, दिल्ली सरकार ने निगम के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स मानने से इनकार कर दिया है और निगम के लोगों ने इस कोरोना महामारी में अपनी जान तक गंवाई है। तो क्या दिल्ली सरकार को इन परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए? पर दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को तो 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन निगम के कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रही है? जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 57, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 38 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 16 और इसमें सारे पैरा मेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर्स के, शिक्षक, सफाई कर्मी और विभाग के निगम कर्मचारी थे। लेकिन ये बहुत दुखद है कि केजरीवाल सरकार इन्हें कोविड वॉरियर मानने से इनकार किया है और उन्हें जो आपने 1 करोड़ रुपए कोरोना वॉरियर्स को सम्मान राशि देने की बात कही थी, ये निगम कर्मियों को आप क्यों नहीं दे रहे? मेरा दूसरा सवाल है कि नगर निगमों के कोरोना योद्धाओं की मृत्यु पर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्यों भेदभाव कर रही केजरीवाल सरकार? आपको जवाब देना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पद तो बड़ा मिल जाता है लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी नहीं करते, वो हमेशा छोटे को दबाते रहते हैं और उनके कामों में बाधा डालते रहते हैं। एक कहते कि जब तलवार और सुई, जहां सुई काम आती वहां तलवार भी नहीं काम आता। हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तव में आज दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी के को पंगू बनाना, उनको राजनीतिक विद्वेष की भावना से उनको काम नहीं करने देना और उनके कामों को मैं बीच में हल्का लगाना, ये सब दिल्ली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किया है। जबकि दिल्ली नगर निगम